नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया होता है तो हम किस तरह से उस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं, आइए आज की वीडियो में हम क्लियर करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस, तीन तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। एक हमारा होता है सिंपल इम्पेरेटिव, दूसरा होता है हमारा लेट इम्पेरेटिव, और तीसरा होता है लेट अस इम्पेरेटिव, जिसको शॉर्ट में लेट्स भी बोला जाता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस से मतलब आप समझ रहे हैं, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में, इसे जानते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो एक ऐसा वाक्य जिस भी वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना या सलाह का बोध होता है, उस वाक्य को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे दोस्तों सिंपल इम्पेरेटिव एंड लेट इम्पेरेटिव, इसको अलग से देखेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखते हैं सिंपल इम्पेरेटिव और लेट वाला इम्पेरेटिव अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया होता है तो हम किस तरह से उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं, आइए इस संबंध में रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर वन कहता है दोस्तों कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंपल या लेट वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, केवल दो की बात कर रहे हैं दोस्तों। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड लेट इम्पेरेटिव सेंटेंस, इन दो की बात कर रहे हैं दोस्तों। लेट अस की अभी बात नहीं करेंगे, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे लेट अस। तो आइए दोस्तों, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाता है, इफ इम्पेरेटिव सेंटेंस सिंपल एंड लेट इज गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच, यदि सिंपल और लेट वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया होता है तो हम दोस्तों वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू इनटू, देखिए सेड या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो सेड या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू द इमोशन ऑफ द सेंटेंस के इमोशन के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं सेड या सेड टू का दोस्तों। तो आप देखिए, हम जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में तीन तरह के इमोशन होते हैं, तो उन तीन तरह के इमोशंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं दोस्तों। तो देखिए इमोशन कौन कौन से होते हैं, तीन तरह के इमोशन होते हैं दोस्तों। पहला इमोशन होता है ऑर्डर, दूसरा इमोशन होता है एडवाइस, और तीसरा इमोशन होता है दोस्तों रिक्वेस्ट। तो ये तीन तरह के इमोशंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। या तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं, इंपेरेटिव से मतलब आप समझते हैं आज्ञा देना, तो यदि हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी को कोई सलाह देते हैं या किसी से दोस्तों कोई गुजारिश करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तब ऐसे वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो हम
सेंटेंस को पढ़ के आइडिया लगाएंगे दोस्तों, कि सेंटेंस को पढ़ करके हमें पता लगाना है इमोशन का, कि इमोशन क्या है। तो इन तीनों में से जो भी इमोशन होगा उसी इमोशन के अकॉर्डिंग हमें सैड या सैड टू को चेंज करना होगा दोस्तों। तो सैड या सैड टू का परिवर्तन आइए देखते हैं। यदि ऑर्डर का भाव होता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं दोस्तों, यानी सैड या सैड टू को आप बदलेंगे, सैड और सैड टू का परिवर्तन यानी इसको हम चेंज करेंगे। क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर का यदि इमोशन है तो हम लिख देंगे सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड, सेकंड फॉर्म यूज करना है ऑर्डर का ऑर्डर्ड। एडवाइज में हम लिख देंगे दोस्तों एडवाइज्ड, और यदि रिक्वेस्ट होती है तो हम लिख देते हैं रिक्वेस्टेड। यानी ये परिवर्तन कहाँ का है, परिवर्तन है रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू का परिवर्तन है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को अकॉर्डिंग टू द इमोशन हम चेंज करते हैं। ऑर्डर्ड लिखते हैं, एडवाइज लिखते हैं, रिक्वेस्टेड लिखते हैं। ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। आइए रूल नंबर टू देखते हैं। रूल नंबर टू कहता है दोस्तों, बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास, बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वी यूज कंजक्शन टू। देखिए दोस्तों, कंजक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम कंजक्शन लगाते हैं टू। यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव में लगाते हैं टू कंजक्शन, इन अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो कंजक्शन होगा दोस्तों टू, और यदि निगेटिव सेंटेंस होगा तो टू से पहले नोट आ जाएगा, अर्थात कंजक्शन बन जाएगा नोट टू। नोट टू लगाएंगे इन नेगेटिव सेंटेंस। तो ये रहे हमारे कंजक्शन दोस्तों, टू या नोट टू हम कंजक्शन लगाते हैं। टू लगाते हैं अफर्मेटिव में और नोट टू लगाते हैं निगेटिव में। तीसरा रूल कहता है दोस्तों, रूल नंबर थ्री ये कहता है कि सेंटेंस के अंदर दिए गए प्लीज, अगर सेंटेंस में हमें प्लीज शब्द दिया है या डू नॉट शब्द दिया है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो हमें डू नॉट शब्द मिलता है, तो अगर प्लीज शब्द दिया है या डू नॉट शब्द दिया है तो दोस्तों हम इनको हटा देते हैं, यानी दोनों को ही हटा दिया जाता है। वी रिमूव देम, यानी इनको हम हटा देते हैं, प्लीज भी हट जाता है और डू नॉट भी हट जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे का क्या परिवर्तन है? आगे हमारा दोस्तों प्रोनाउन बदलता है, नियरनेस फारनेस में बदलती है, टेंस नहीं बदलता है, यानी वर्ब जो है वो नहीं बदलेगा दोस्तों। ये आपको विशेष ध्यान देना है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो आइए इन सब रूल्स को एग्जांपल से क्लियर करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस मैंने कहा माय टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ओपन योर बुक। ये देखे दोस्तों, ये हमारे पास कोई सेंटेंस है, इसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले पहचान बनानी होती है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखते हैं ये सेंटेंस हमारा सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो पहचान आनी चाहिए दोस्तों, सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हमारा सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, डू नॉट से स्टार्ट होने वाला निगेटिव होता है, या फिर प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला वाक्य हमारा सिंपल इंपेरेटिव होता है। तो इस तरह के वाक्य को हम इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें
किसकी किसके साथ बात हो रही है इसको देख करके इमोशन का पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए माई टीचर सेड टू मी, यानी मेरे टीचर की और मेरी बात चल रही है, तो यहाँ से आपको इमोशन का तुरंत पता चल जाएगा, यानी मेरे टीचर मुझे ऑर्डर देंगे। तो ये ऑर्डर का भाव है दोस्तों कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलो। तो यहाँ पर सेड या सेड टू का जो परिवर्तन होगा तो यहाँ पर ऑर्डर्ड आ जाएगा दोस्तों, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा माई टीचर ऑर्डर्ड मी, और कंजक्शन लगाएंगे दोस्तों टू, क्योंकि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं कंजक्शन, और आगे लिखते हैं दोस्तों वर्ब चेंज नहीं होगा तो जो का तो रहेगा टू ओपन, और प्रोनाउन बदलेगा, ये यू योर जो है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, यानी योर को मी के अकॉर्डिंग बदलना है दोस्तों। तो योर को मी के अकॉर्डिंग आप बदलेंगे, पहले योर के तीनों रूप लिखेंगे, देखिए जैसे हमने लिखा यू यू योर, तो जिसको बदलना है उसके तीनों रूप लिखिए, जिसके अकॉर्डिंग बदलना है उसके नीचे लिख लीजिए आई मी माई। तो देखिए बदल करके योर का बदल करके माई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माई बुक। तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हो जाता है दोस्तों, इनडायरेक्ट बन जाता है। इसी तरह मैंने कहा सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज कम इन, कृपया अंदर आ जाइए। तो देखिए दोस्तों जहां पर भी सेंटेंस में हमें प्लीज शब्द दिखाई देता है तो प्लीज शब्द जो है रिक्वेस्ट में बोला जाता है, यानी गुजारिश की जा रही है। तो सिंपली हमें पता चल गया है कि जो हमारा इमोशन है वो रिक्वेस्ट का है, तो सेड टू की जगह यहां पर रिक्वेस्टेड आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा सी रिक्वेस्टेड मी, और इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर कंजक्शन टू लगाते हैं क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, और प्लीज शब्द मैंने आपको बताया है कि प्लीज शब्द हट जाता है। तो यहाँ पर फिर कम आ गया है, कम का गो होता है दोस्तों इन, ये हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट। एक और डायरेक्ट सेंटेंस मैंने कहा सी सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा प्लीज बी हैप्पी, उन्होंने हमसे कहा प्लीज बी हैप्पी। तो यहां पर इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, प्लीज शब्द को देखते ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्लीज शब्द है तो रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो यहां पर सेट टू की जगह हमें लिखना है रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड अस, और कंजक्शन लगाएंगे टू क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और प्लीज शब्द को हटा देते हैं टू बी हैप्पी। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस हमारा चेंज हो जाता है। और देखिए दोस्तों मैंने कहा सरला सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, प्लीज लेट मी गो नाउ। सरला सेड टू अस, सरला ने हमसे कहा प्लीज लेट मी गो नाउ, कृपया मुझे अब जाने दीजिए। तो हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों, तो प्लीज शब्द को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है, तो रिक्वेस्ट का भाव है तो सेट टू को चेंज करना है दोस्तों रिक्वेस्टेड में, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सरला रिक्वेस्टेड अस, और कंजक्शन लगाएंगे टू क्योंकि सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर अफर्मेटिव है तो कंजक्शन टू लगेगा दोस्तों। उसके बाद प्लीज शब्द को हटा देते हैं, आगे हमारा बचता है लेट, फिर मी को चेंज करेंगे दोस्तों, मी है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट है सरला, सरला को सी माना जाएगा दोस्तों,
तो मी को सी के अकॉर्डिंग जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हर आ जाएगा। गुरुजी समझ नहीं आया है तो देखिए, जिसको भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जिसको भी चेंज करना होता है उसके तीनों रूप लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आई का रूप आई मी माई। अब देखिए जिसके अकॉर्डिंग बदलते हैं उसके नीचे लिख लेते हैं, तो सरला को सी मानेंगे तो सी के अकॉर्डिंग सी हर हर, इसके तीनों लिख लेते हैं नीचे। तो देखिए मी को बदलना था तो मी को बदल करके हर हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा हमारा गो और नाव का हो जाएगा दोस्तों देन। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल जाता है। तो इस तरह से हम सिंपल इम्पेरेटिव और लेट वाले इम्पेरेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। कहीं से कोई बदलाव नहीं है, वही नियम सिंपल में लगता है और वही रूल हमारा लेट में लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यदि होता है तो कंजक्शन टू होता है, और यदि सेंटेंस निगेटिव हो जाता है दोस्तों तो निगेटिव में कंजक्शन टू से पहले नोट आ जाता है। बस ये जरा सा परिवर्तन करना है, बाकी सेम यही रहेगा। अब देखिए मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ कि इस वाक्य को मैं निगेटिव बनाता हूँ। देखिए माई टीचर, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस इसको मैं कैसे बनाऊँगा। माई टीचर सेड टू मी डू नॉट ओपन योर बुक। तो यहाँ पर अगर डू नॉट शब्द है तो डू नॉट शब्द लगाने से ये निगेटिव बन जाएगा हमारा। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट चेंज करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, जरा सा परिवर्तन होगा, टू से पहले नोट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा जो कहते हो, क्योंकि ऑर्डर इमोशन जो है वो ऑर्डर का है। तो सेड है, सेड टू की जगह ऑर्डर हो जाए, ऑर्डर्ड हो जाएगा, माई टीचर ऑर्डर्ड मी। कंजक्शन में बदलाव होगा, नोट टू आ जाएगा और डू नॉट शब्द हट जाता है, बाकी सेम रहेगा, कहीं से कोई समस्या नहीं है। इसको यदि निगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है डू नॉट, स्टार्टिंग में डू नॉट मिलेगा, डू नॉट सॉरी प्लीज के बाद मिलेगा डू नॉट, प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट कम इन, कृपया अंदर मत आना। तो इसको हम निगेटिव, इसका निगेटिव सेंटेंस का हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजक्शन टू से पहले नोट आ जाता है, बस ये बदलाव करना है, बाकी और कोई भी बदलाव नहीं होगा दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो इन। अगर ये वाला हमारा निगेटिव होता है तो प्लीज़ के बाद डू नॉट आपको मिलेगा, इस तरह से ये निगेटिव हो जाएगा। और जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू से पहले नोट लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा दोस्तों। ऐसे ये वाला है कि अगर ये निगेटिव होगा तो यहाँ पर प्लीज़ के बाद हमें डू नॉट मिलता है और कंजक्शन में बदलाव होता है, टू से पहले नॉट टू, यानी टू अफर्मेटिव में टू कंजक्शन लगता है और निगेटिव में नॉट टू कंजक्शन लगता है। तो मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक दोस्तों आपका क्लियर हो चुका होगा। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है दोस्तों तो प्लीज़ इस तरह से ही एजुकेशनल वीडियोज़ को वॉच करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेट अस इम्परेटिव।